भारतीय मजदूर संघ राजसमंद जिला कार्यकारिणी का अधिवेशन आज रामेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हुआ, जिसमें प्रदेश महामंत्री हरिमोहन शर्मा ने शिरकत की। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ ही आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनियों ने भी शिरकत की। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री हरिमोहन शर्मा ने बताया कि जिले में नवीन कार्यकारिणी का गठन होने पर अधिवेशन का आयोजन किया गया। शर्मा ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ लगातार आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनी को स्थायी करने और उन्हें समस्त सरकारी सुविधा दिलाने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में आगामी 16 दिसंबर को जयपुर की सड़कों पर लाखों की संख्या में सहयोगी और आशाएं जुटेंगी और अपने हक की आवाज बुलंद करेंगी, जिनके साथ भारतीय मजदूर संघ खड़ा रहेगा। जिले में नई कार्यकारिणी का गठन हो और नई कार्यकारिणी जो केंद्र की योजना है, प्रदेश की जो योजना है, उस केंद्र प्रदेश की योजना को मिलकर के उसका क्रियान्वयन करें, इसलिए प्रतिवर्ष का अपना यह कार्यक्रम है। इस निमित्त आज का यह अधिवेशन संपन्न हुआ। अभी 16 दिसंबर को राजस्थान प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मी आशा सहयोगिनी इनका एक बहुत विशाल एक दिन की रैली जयपुर में होगी और वो एक प्रकार से भारतीय मजदूर संघ आंगनबाड़ी और आशा वर्कर का शक्ति प्रदर्शन होगा, क्योंकि सरकार भी अंततोगत्वा शक्ति के सामने ही झुकती है। सरकार को ये संदेश है कि आंगनबाड़ी वर्कर की जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको सुना जाए, उनका समाधान किया जाए। आपका शुभ नाम और पद बता दें। हरिमोहन शर्मा, प्रदेश महामंत्री, भारतीय मजदूर।